हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त का दुख भोग संत योहन के अनुसार। उस समय येसु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती यूदास को यह जगह मालूम थी क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करते थे। अतः यूदास पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यादों को ले जाकर लालटे ने मसाले और हथियार लिए वहां आ पहुंचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती यूदास भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के एक नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मालकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो, जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? तब पलटन और शतपति और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले क्योंकि वह उस साल के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। वह चेला प्रधान याजक का परिचित था। वह यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया।
पर पेत्रुस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा चेला जो प्रधान याजक का परिचित था बाहर गया और द्वारपालिन से कहकर पेत्रुस को भीतर लाया। तब द्वारपालिन ने पेत्रुस से कहा, क्या तुम भी उस मनुष्य के चेलों में से एक नहीं हो? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे कोयले की आग सुलगा कर खड़े ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। प्रधान याजक यीशु से उनके चेलों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछने लगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में जहाँ सब यहूदी एकत्र होते हैं शिक्षा दी है। गुप्त रूप से मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ, यदि मैंने ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? अनस ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेत्रुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उसके चेलों में से एक नहीं हो? उसने यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं हूँ। जिसका कान पेत्रुस ने काट डाला था उसी के एक संबंधी ने जो प्रधान याजक का नौकर था पेत्रुस से कहा, क्या मैंने तुमको बारी में नहीं देखा था? पेत्रुस ने फिर इनकार किया। उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया जिससे वे अशुद्ध ना हो जाएं तथा पास्का का मेम ना खा सकें। अतः पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि अधोकर्मी ना होता तो हम उसे आपके हाथों नहीं सौंपते।
पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर आप ही अपने नियम के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को पंडन देने का अधिकार नहीं। यह इसलिए हुआ कि अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी ही जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है, तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है, यदि मेरा राज संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते जिससे मैं यहूदियों के हाथ ना पड़ूं, परंतु मेरा राज इस संसार का नहीं है। पिलातुस ने कहा, तब तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। इसीलिए जन्मा और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य का साक्ष्य दूँ। जो कोई सत्य की ओर से है वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पास्का के अवसर पर किसी को रिहा करूं। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करूं? वे चिल्ला कर कहने लगे, इसको नहीं बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उनको लाल चोगा पहनाया। तब उनके पास आकर वे कहने लगे, प्रणाम यहूदियों के राजा। और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो
मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाल चोगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उनको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही से ले लो और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है और उस नियम के अनुसार से मर जाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर उसने यीशु से कहा, तुम कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे नहीं बोलते, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर कोई अधिकार ना होता यदि आपको या ऊपर से ना दिया जाता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें तो आप कैसर के मित्र नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लितोस्त्रोतोस कहते थे, इब्रानी में गब था। पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग छठी घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो यह तुम लोगों का राजा है। वे चिल्ला उठे, हटा दीजिए, क्रूस दीजिए। पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़कर हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने
यीशु को उनके हवाले कर दिया कि वे क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं। तब वे यीशु को ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए नगर से निकलकर उस जगह को गए जो कलवारी कहलाती थी, इब्रानी में गोल गोथा। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ दो और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर दूसरे को बाईं ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया, यह इस प्रकार था, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास ही था, और पत्र इब्रानी, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह न लिखिए यहूदियों का राजा, वरन लिखिए उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सिपाहियों ने उनके कपड़े लेकर चार भागों में बांटे, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता। यह कुर्ता बिना सीवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ दें, चिट्ठियां डालकर देख लें कि यह किसे मिलेगा। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर चिट्ठियां डाली। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन मरिया क्लियोफस की पत्नी और मरिया मगदलेना खड़ी थी। अपनी माता को और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर यीशु ने अपनी माता से कहा, भद्रे देखिए यह आपका पुत्र है। तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो यह तुम्हारी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा दिया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था
उन्होंने सिरके में डुबाया अपन सोखता, सर कंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। येसु ने सिरका चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह पास्का की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने निवेदन किया कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और उनको हटा दिया जाए, जिससे लाशें विश्राम के दिन क्रूस पर न रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनमें से पहले की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनके टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उनकी बगल को छेदित कर दिया और उससे तुरंत लहू और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो, क्योंकि यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर दूसरी जगह धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने जिसको छेदा है उसी की ओर आंख उठाएंगे। इसके बाद अरमतिया के जोसेफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का शिष्य था, पिलातुस से यीशु की लाश ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए वह आकर उसे ले गया। निकोदिमुस भी आ पहुंचा, वह वही था जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। वह करीब एक मन गंधरस और अग्रु का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ पट्टियों में लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की रीति है। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसी जगह एक बारी थी, और बारी में एक नई कब्र जिसमें कोई कभी नहीं रखा गया था। यहूदियों के पास्का की तैयारी का दिन होने के कारण यीशु को वहीं रख दिया।
क्योंकि वह कबर बहुत निकट थी।